गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर 10 पार्ट सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, परिवहन का साधन किसे कहते हैं। गुड्स एंड पैसेंजर कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साधन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट लैंड वाटर एंड एयर आर थ्री बेसिक मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के तीन बेसिक मीन्स होते हैं, लैंड वाटर एंड एयर। तो लैंड वाटर एंड एयर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट बेसिकली तीन प्रकार का होता है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट जो तीन प्रकार का होता है, रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोडवेज की स्टडी करेंगे। रोडवेज इंडिया में रोड नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, भारत में रोड का। तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, जितने हमारे रेलवे है, वाटरवे है और एयरवेज है, तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क इंडिया का है वो है रोडवेज नेटवर्क। ठीक है, जो टोटल लेंथ ऑफ रोड इंक्रीज फ्रॉम द 4 लाख किलोमीटर इन 1951 में, भारत का जो रोड नेटवर्क था वो 4 लाख किलोमीटर था, जो बढ़कर 2007-08 में कितना हो गया, 33.1 लाख किलोमीटर हो गया। आगे सबसे जो मेन जो चीज इसमें पढ़ने की है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ये पढ़ेंगे। एडवांटेजेस रोड्स, एडवांटेजेस रोड्स क्या है, रोड्स के क्या लाभ है, या इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड्स। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे या इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ रोड है, रोड ट्रांसपोर्ट हमने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विसेज। रोड ट्रांसपोर्ट में हमें दरवाजे से दरवाजे तक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसमें वस्तुएं सामान को बार बार उतारना चढ़ाना करना, लोड एंड अनलोडेड नहीं करना पड़ता, बार बार सामान को उतारना चढ़ाना, ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता। सबसे नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, रोड जो ट्रांसपोर्ट है इजली कंस्ट्रक्शन इन हिली एरिया कंपेयर टू द रेलवे। रेलवे के कंपेयर में हिली एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान है, इजली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इन हिली एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रोड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें, पैसेंजर और गुड्स को छोटी और मध्य दूरी तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल निकालना आता है कौन, रोडवेज। रोडवेज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मीडियम डिस्टेंस के लिए, कम पैसेंजर के लिए, कम गुड्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट साधन है। जैसे आपको कोई एक या दो पैसेंजर जाने हैं, जैसे यहां से नारनौल जाना, महेंद्रगढ़ जाना, तो आप बाइक से जा सकते हैं। एक या दो पैसेंजर के लिए क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट सुटेबल नहीं है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके महेंद्रगढ़ से आपको मानकर बुचोली जाना है, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट से आसानी से जा सकते हैं, रेलवेज के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसलिए रोडवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। छोटी और मध्य दूरी के लिए रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट जो पॉइंट, इट इज इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्शन रोड। रोड का कंस्ट्रक्शन करना वो सबसे आसान और सबसे सस्ता है कंपेयर टू द रेलवे, रेलवे के कंपेयर में। टू नेक्स्ट क्या है, रेलवे, रोडवेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोलवे, रेलवे है वो बहुत इंपोर्ट, रोड रोडवेज है, रोडवेज रेलवे के कंपेयर में एक क्या है, सस्ता परिवहन का साधन है। सस्ता कैसे, लंबी दूरी के लिए नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, मीडियम डिस्टेंस के लिए क्या है, एक सस्ता परिवहन का साधन है। अब देखो दूसरी बात क्या है, पेरिसेबल्स गुड्स होती है लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, इनको मिल्क आर ट्रांसपोर्ट बाय मोर इजी बाय द रोड। इनको जैसे
फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क को रोड परिवहन के द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है शीघ्र क्रम, जबकि रोडवेज हो गया, जबकि रेलवे हो गया, एयरवेज से नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या है, तो रोडवेज इज ए मोर फ्लेक्सिबल, रोडवे क्या है, एक मोर फ्लेक्सिबल है देन रेलवे, रेलवे के कंपेयर में रोडवेज बहुत फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टेशन है। बसेज एंड ट्रक मे बी स्टॉप्ड एनीवेयर, बस और जो ट्रक होते हैं वो किसी भी स्थान पर किसी भी टाइम रुक सकते हैं, एंड एट एनी टाइम्स किसी भी टाइम ऑन द रोड, और लोडेड एंड अनलोडेड, लोडेड एंड अनलोडेड भी किए जा सकते हैं, जबकि इसके कंपेयर में रेलवे एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रुकती है, पर्टिकुलर प्लेस पर ही रेलवे रुकती है, जबकि रोडवे एनीवेयर एनी टाइम किसी भी समय किसी भी जगह रुक सकती है। ये बेटा हमने 7-8 इंपोर्टेंट्स बताए थे किसके, रोडवेज की। अब डिसएडवांटेजेस क्या है रोडवेज की, रोडवेज का डिसएडवांटेज क्या है, रोडवेज की हानियां क्या है, रोडवेज देखो तो कॉमनली क्या है, आजकल रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है ना बढ़ रहा है, ट्रैफिक खूब बढ़ रहे, तो इससे एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है रोड। आप दिल्ली में देखो फोग है सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा फोग किसकी वजह से, स्मोक हो गया, पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो गया, तो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, रोडवेज का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एक इससे इंपॉर्टेंट तो हमने बहुत सारे बता दिए, ड्रॉबैक क्या है रेलवे का, रोडवेज का, रोडवेज का और रेलवे दोनों का हम ड्रॉबैक बताइए। सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, रोडवेज का एक डिसएडवांटेज क्या है, इससे तो एयर पोल्यूशन होता है, दूसरा क्या, एक एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्या है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हैवी एंड बुल्की गुड्स लाइक आयरन और कोयला, हैवी एंड बुल्की गुड्स होती हैं जो उनको क्या करने का, हैवी एंड बुल्की गुड्स लाइक आयरन एंड कोल कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्ट, हैवी और बुल्की गुड्स होती है, कोयला और आयरन होता है, उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता किसमें, रोडवेज के थ्रू। नंबर नेक्स्ट क्या है, नंबर नेक्स्ट हमारा बेटा क्या है, इसमें सबसे जो रोडवेज इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए एक रोडवेज एक सुटेबल परिवहन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इट इज मोर कॉस्टली देन रेलवे, ये रेलवे की अपेक्षा ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्या रोडवेज, रेलवे सस्ती पड़ती है, रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे सुटेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे सुटेबल परिवहन का साधन है, जबकि रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल, जबकि रोडवेज है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। रेलवे में हैवी और बुल्की गुड्स कमोडिटीज या गुड्स को ले जाने के लिए सबसे अच्छा परिवहन का साधन है, सस्ता है, चीपेस्ट है, जबकि रोडवेज हैवी और बुल्की गुड्स को ले जाने का चीपेस्ट परिवहन का साधन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ाएंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे सबसे पहले, आगे क्या पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको बता देंगे क्लासिफिकेशन क्या है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, रोड का क्लासिफिकेशन देखो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नंबर सेकंड पढ़ाएंगे हम स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, तीसरा हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फिर हम पढ़ाएंगे रूरल रोड, फिर हम पढ़ाएंगे बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड्स, ये हम बेटा आज पढ़ाएंगे, ये क्लासिफिकेशन है। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, एक ये भी हम पढ़ाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये हम आज आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पढ़ा रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन रोड में सबसे पहले नेशनल हाईवे के बारे में हम पढ़ाएंगे। नेशनल हाईवे क्या है बेटा, देखो नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, नेशनल हाईवे
नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड नेशनल हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है। जो फिर सुनो, नेशनल जो हाईवे है इसका जो कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय CPWD, नेशनल हाईवे की देखरेख और उसका निर्माण सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, नेशनल हाईवे टू कनेक्ट द कैपिटल सिटी इंपोर्टेंट टाउन। ठीक है बेटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला बाय।